इस वीडियो में हम आपके जियो फाइबर पोस्टपेड बिल का ब्रेकअप विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। 26 पन्नों के इस बिल के पहले पन्ने पर बिल के ऊपर बाईं ओर आपका नाम और पता लिखा होता है। इसके साथ में एक QR कोड होता है। आप इस QR कोड को स्कैन करके भीम, UPI या किसी अन्य एप्स द्वारा इनवॉइस राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आप वो तिथि और समय देख पाएंगे जब बिल जनरेट किया गया था। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ठीक नीचे आप स्टेटमेंट की अवधि देख सकते हैं। यहां आप अपने बिल का सबसेट देख पाएंगे। यहीं पर OTT ऐप से संबंधित रेंटल्स यानी किराए की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। कनेक्टिविटी सर्विसेज भी आपके मुख्य बिल का एक सबसेट है। यहां आप अपने डेटा और वॉइस का किराया और भुगतान राशि देख सकते हैं। यदि आपका कोई पिछला बैलेंस बचा है तो वो यहां दिखाई देगा। यदि ये माइनस में है तो इसका मतलब आप पर कोई बकाया राशि नहीं है, और यदि बैलेंस प्लस में है तो इसका मतलब आपको बकाया राशि का भुगतान करना है। इसके नीचे बाईं तरफ आप भुगतान तिथि और इनवॉइस राशि देख सकते हैं। इसके नीचे आप देय तिथि बीत जाने के बाद भुगतान की जाने वाली राशि देख सकते हैं। दूसरे पेज पर पेमेंट हिस्ट्री में बाईं तरफ आप पिछले 6 महीनों की बिल समरी देख सकते हैं। इसके आगे आप पिछले 6 महीनों में भुगतान की गई राशि की जानकारी देख पाएंगे। यदि आपने अपना OTT सब्सक्रिप्शन प्लान अपग्रेड किया है तो डिफरेंशियल चार्ज तीसरे पेज पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस के तहत दिखाई देगा। इसके बाद आप टैक्स में लगाए गए GST का ब्रेकअप देख सकते हैं। मौजूदा महीने के लिए जिस राशि का भुगतान किया जाना है वो पहले से ही पहले पेज पर टोटल पेएबल अमाउंट में शामिल किया गया है। चौथे पेज पर OTT ऐप्स में आप जियो फाइबर एडवांस रेंटल प्लान के तहत मिलने वाले OTT ऐप्स और लाभ की जानकारी देख सकते हैं। पांचवे पेज पर प्लान चार्जेस में आप एक्टिवेशन तिथि से बिल तिथि तक अपना प्रोरेटेड एडवांस रेंट देख सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन 1 में दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन 2 अगले बिल साइकिल के लिए 1 महीने का एडवांस रेंट प्रदर्शित करेगा। इसके बाद छठे पेज पर मंथली प्लान चार्जेस में आप अपना डेटा, वॉइस और VAS यूसेज का विवरण देख सकते हैं। यदि आप अपने सब्सक्रिप्शन से अधिक डेटा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो लागू अतिरिक्त शुल्क टोटल यूजेज समरी के तहत चार्ज्ड अमाउंट में दिखाई देगा। टोटल यूजेज समरी में GST का ब्रेकअप यहां दिखाई देगा। सातवें पेज पर आप जियो प्लान डिटेल्स में अपने जियो फाइबर एडवांस रेंटल प्लान की जानकारी और एंटाइटलमेंट्स देख सकते हैं। आठवें पेज पर चार्जेस में डिस्क्रिप्शन 1 अगले बिल साइकिल के लिए एडवांस रेंटल प्रदर्शित करेगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन 2 में एक्टिवेशन तिथि से बिल तिथि तक आपका प्रोरेटेड एडवांस रेंट दिखाया जाएगा। यूसेज चार्जेस में आप अपने पिछले बिल साइकिल का दैनिक और साप्ताहिक डेटा यूसेज देख सकते हैं। नौवे पेज पर बिल का आखिरी सेक्शन डेटा और वॉइस के आइटमाइज्ड यूसेज डिटेल्स को प्रदर्शित करेगा। कृपया ध्यान दें, यदि यूसेज प्लान एंटाइटलमेंट की सीमा के अंदर ही की गई है तो अमाउंट में शुल्क 0 दिखाई देगा। बिल्ड यूसेज तभी प्रदर्शित किया जाएगा अगर यूसेज प्लान एंटाइटलमेंट के बाहर किया गया हो। फ्री यूसेज में आप प्लान एंटाइटलमेंट्स के भीतर किए गए डेटा यूसेज की जानकारी देखेंगे, और अंत में बिल्ड यूसेज के लिए चार्ज की गई राशि चार्जेबल यूसेज में प्रदर्शित की जाएगी। इस वीडियो में हमने आपके जियो फाइबर पोस्टपेड बिल के विवरण और उसके ब्रेकअप को विस्तार से सीखा। धन्यवाद।